हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसडीएस विद्यापीठ से। एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आपके हिंदी के विषय में हम जानेंगे वर्ण स के बारे में। कौन से वर्ण के बारे में? वर्ण स के बारे में। जैसे कि आपको पता है, स तीन प्रकार के हैं। बस उन्हें जो बोलने का तरीका है वो अलग होता है। इसमें होता है सबसे बड़ा श, फिर श, फिर स। सबसे बड़ा क्या होता है? श, श से शलगम वाला श। और दूसरा होता है श से षटकोण वाला श। और तीसरा होता है स से सपेरा वाला स, जो कि सबसे छोटा स कहा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इन्हें बोलना सीखिएगा। तो चलिए आज सीखते हैं स, स से सपेरा वाले स के बारे में। ये देखिए, स से जो शब्द बने हैं हम उन्हें पढ़ते हैं। पहला शब्द है साइकिल, सा ई की ल, साइकिल। ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? साइकिल। स से साइकिल। दूसरा है स ड क, सड़क। ये क्या है? सड़क। सड़क जिस पर आप चलना या फिर गाड़ी दौड़ते हुए देखते हैं, चलते हुए या फिर गाड़ी दौड़ते हुए देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सड़क। स ड क, सड़क। और तीसरा शब्द है संतरा, सन त रा, संतरा। ये कौन सा फल है बच्चों? ये है संतरा, जिसे हम इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। ठीक है, स से साइकिल, स से साइकिल, स से सड़क, स से संतरा। अब हम सीखते हैं एक नई कविता जो बनी है स से सपेरे पे। ओ सपेरे बीन बजा, सांप को अपने जरा नचा। ओ सपेरे बीन बजा, सांप को अपने जरा नचा। ये क्या है? ये कौन है बच्चों? ये है सपेरा। सपेरा क्या करता है? बीन बजाता है। जो बीन की आवाज़ सुन करके सांप नाचने लगता है, तो बीन बजाने वाले को हम क्या कहते हैं? सपेरा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ओ सपेरे बीन बजा, सांप को अपने जरा नचा। आपने देखा होगा आपके गांव में कभी भी, आपने देखा होगा आपके गांव में कभी कोई मदारी वाला जो आता है, या तो वो सांप लेकर आता है, या तो बंदर लेकर आता है, या तो वो भालू लेकर आता है, या फिर कोई और दूसरे जानवरों को लेकर आता है। तो वो क्या करता है? उन्हें नचाता है, गाना गा कर नचाता है, ढोल बजा कर नचाता है। अगर सांप हो तो बीन बजा कर नचाता है। तो ये क्या करते हैं? ये मदारी वाले सब उन्हें नचा कर लोगों को खेल दिखाने का काम करते हैं। और जो सांप को नचाता है बीन बजा करके, उसे क्या कहते हैं? सपेरा। तो बच्चों, आप इस कविता को अच्छे से याद करिएगा और इन शब्दों को भी ज़रूर दोहराइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।